कैपिलैरिटी किसे बोलते हैं कि आपके पास एक ट्यूब है, पतली सी ट्यूब है, तो आपने एक लिक्विड में वाटर में डाली, वाटर ने ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर दिया, इस एक्शन को कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। ये ऊपर क्यों चढ़ता है पानी, इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में यही करना है, आज जो इंट्रोडक्शन है कि ये ऊपर क्यों चढ़ता है मैं आंसर दूंगा। जितनी पतली ट्यूब होगी लिक्विड उतने ऊपर चढ़ेगा, मोटी ट्यूब होगी लिक्विड कम ऊपर चढ़ेगा, इस एक्शन को कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। लेकिन अगर आप वाटर की जगह मरकरी डाल दें तो मरकरी नॉर्मल लेवल से भी ऊपर नहीं चढ़ती, उल्टा नीचे गिरती है। पानी नॉर्मल लेवल से ऊपर चढ़ता है, मरकरी नीचे गिरती जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, इसका आंसर भी दूंगा। तो जिनके एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ग्रेटर देन 90 है वो ट्यूब के नीचे गिरते हैं, और जिनका लेस देन 90 है वो हमेशा ऊपर चढ़ते हैं, और जो 90 पे होते हैं वो कुछ नहीं करते, जहां है वहीं के वहीं रहते हैं। ठीक है, क्यों होगा बताऊंगा। तो फिनोमेना ऑफ राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब इज इन कंपैरिजन टू सराउंडिंग इज कॉल्ड कैपिलरी। तो कैपिलैरिटी या कैपिलरी एक्शन इसी बोलते हैं। तो इसके एग्जांपल्स हैं जैसे कि जो ट्रीज हैं, पानी नीचे देते हो पर कैपिलरी एक्शन से वो पानी धीरे धीरे करके ब्रांचेस चला जाता है, कैपिलरी एक्शन है। आप वो कॉटन रखते हो तेल में तो तेल जो है वो ऊपर ऊपर आता जाता है अपने आप ही, तो आप वो जलाते हो ना, दिया जला दिया, तो बेसिकली क्या है वो भी एक कैपिलरी एक्शन है। तो आप एक एक पतली सी ट्यूब लो, एक ग्लास यहाँ लो वाटर का, एक यहाँ लो ट्यूब डाल दो, तो आप देखोगे पतली ट्यूब में पानी ऊपर चढ़ के यहाँ से आना स्टार्ट हो जाएगा, कैपिलरी एक्शन है। पेट्रोल निकालते हो टैंक में से, कैपिलरी एक्शन है। ये सब कैपिलरी एक्शंस के केस हैं, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों होता है। एक ये याद रखना, मैंने बताया आधा बताया था, पूरा बता रहा हूँ रिजल्ट, कि अगर ये मेनिस्कस फ्लैट है तो ऊपर और नीचे प्रेशर की वैल्यू विल रिमेन सेम। अगर ये ऐसा है कंकेव तो ऊपर अगर पी एटमोस्फेयर है तो नीचे पी एटमोस्फेयर से कम होगा, वो कितना कम होगा, -2T/R, वे टी सरफेस टेंशन, सिग्मा या टी एक ही बात है, 2T/R। ये 2T/R कहां से आया, ड्रॉप, ड्रॉप की तरह काम कर रहा है, पानी का ड्रॉप है, तो एक्सेस प्रेशर किया था, 2T/R का फर्क होता है। तो यहां पर ये याद करना है रिजल्ट, तो यहां का जो प्रेशर है वो पी एटमोस्फेरिक -2T/R, और अगर मेनिस्कस ऐसे कन्वेक्स है तो उस केस में पी एटमोस्फेयर है तो पी एटमोस्फेरिक +2T/R। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखना कितना प्रेशर कहां पे होता है, राइट। वेयर एक और चीज इंपॉर्टेंट है, कैपिटल आर इसमें क्या चीज है, कैपिटल आर रेडियस ऑफ ट्यूब नहीं है, रेडियस ऑफ मेनिस्कस है। मेनिस्कस का रेडियस क्या होता है, ये मेनिस्कस है, इमेजिन करो अगर ये स्फेयर होता तो ये रेडियस है कैपिटल आर, इमेजिन करो अगर ये स्फेयर होता तो ये इसका कर्व कितने रेडियस का, उसको मेनिस्कस का रेडियस बोलते हैं, ट्यूब का रेडियस नहीं है। तो पॉइंट क्लियर है यहां तक, ये रिजल्ट्स आपने याद रखने हैं, तो अगली बार जब हम इसकी कैपिलरी एक्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल तो उसमें ये यूज होगा।